समूचे उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध रामलीला मंचन फिरोजाबाद की ऐतिहासिक रामलीला में मेघनाथ वध के बाद रावण और प्रभु श्री राम के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध को देखने के लिए करीब 2 से 5 लाख श्रद्धालु रामलीला मैदान में पधारे और पूरे इस युद्ध का आनंद लिया। प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। इस दौरान सदर विधायक मनीष असीजा, उनके पुत्र एवं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेतागण एवं तमाम आयोजक इस युद्ध के दौरान मौजूद रहे। वहीं इस युद्ध को एक्सक्लूसिव भारत 24 ने अपने कैमरे से दिखाने का प्रयास किया। कैसा था माहौल और किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, आप फिल्म देखिए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ओनली ऑन भारत 24। आज विजयदशमी है और विश्व प्रसिद्ध नंबर 1 रामलीला मंचन के मामले में जनपद फिरोजाबाद का यह रामलीला मैदान है, जहां पर इस समय भारत 24 की टीम मौजूद है। और मेरे पीछे जैसा नर्मदा हाल हमने आपको दिखाया था, आज दसवीं है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा भीड़ दिखाएं इस तरफ, किस तरीके की भीड़ जो है। यहां माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े सभी यहां पर आज रावण और भगवान श्री राम के युद्ध को देखने के लिए आए हैं। और आज रावण का वध होना है, जिसके लिए जनता अपार जन सैलाब, करीब लाखों की भीड़ यहां पर इस समय इस रामलीला प्रांगण में मौजूद है। और व्यापक इंतजाम सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर यह पुतला है, रावण का जो पुतला है, यह पुतला बनाया गया है। मैं अपने कई बुजुर्गों को जरा दिखाया, यह पुतला जो है रावण का पुतला बनाया गया है। और ये लगातार हनुमान जी इस समय आए रावण से युद्ध करते हुए, और लगातार जो लीलाओं का मंचन है वह लगातार जारी है। और इस तरफ अगर कहें तो इस तरफ भगवान श्री राम बैठे हुए हैं, और भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए हैं और लगातार लीलाओं का मंचन जारी है। एक तरफ लंकापति रावण का जो दरबार है वो लगा हुआ है, और आज लंकापति रावण सीधे तौर पर युद्ध करने के लिए रणभूमि में उतरने वाला है। और यह रावण का दरबार है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं रावण के दरबार को नजदीक से दिखाएं। यह लंकापति लंकेश रावण का यह दरबार है, और लंकापति रावण के इस दरबार में हलचल आप साफ देख सकते हैं। युद्ध की पूरी तैयारी है, सारे योद्धा तैयार बैठे हैं। और आज विजय आप देख सकते हैं, ये देखिए उत्साह जो है वह आज युद्ध के लिए सभी तैयार दिखाई दे रहे हैं। सभी जो कलाकार हैं वो तैयार दिखाई दे रहे हैं। और यही हलचल अब मैं आपको प्रभु श्री राम के दरबार में लिए चलता हूँ। और उससे पहले मैं कहूँगा भीड़ दिखाएं जरा चारों तरफ, जो आलम है भीड़ का, जो चारों तरफ भीड़ है वो अभूतपूर्व भीड़ है, और चारों तरफ जो भीड़ का आलम है। और मैं लगातार आपको रामलीला का मंचन दिखा रहा हूँ, और ये रामलीला मैदान के अंदर भगवान श्री राम का खेमा है। यहाँ पर वानर सेना युद्ध के लिए तैयार है, और चारों तरफ मंचन लगातार जारी है। और इस रामलीला के मंचन में यह राम का खेमा है, भगवान श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यह खेमा है। और चारों तरफ जो लीला है, ये भगवान बजरंग बली युद्ध रावण से होता हुआ, और लगातार इसके अंदर विजयदशमी है। और इस मंचन को लगातार कार्य मंचन को जो अंजाम दे रहे हैं, क्या नाम है आपका? शुभम मिश्रा। शुभम जी, कितनी पुरानी रामलीला का ये मंचन है, और आज विजयदशमी है, आज कौन सी लीलाएं होने वाली हैं? ये हमारी विश्व प्रसिद्ध उत्तर भारत की नंबर 1 रामलीला महोत्सव का आयोजन है। ये लगभग विगत 150 वर्षों से भी ज़्यादा प्राचीन है, और यदि हम सन और संवत के हिसाब से देखें 167वीं रामलीला का आयोजन है। 167वीं, और ये बड़े बड़े विद्वानों के माध्यम से शुरू की गई, जिसमें मेरे बाबा और मेरे एक बाबा और पंडित पद्म चंद्र मिश्रा जी, ये लोग रामनगर रामलीला देखने गए, वहाँ से प्रेरित होकर के यहाँ मैदानी मंचन प्रारंभ कराए। इस रामलीला की ख्याति को सुनते हुए समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी देखने आते हैं। राम मनोहर लोहिया जी, आप देख सकते हैं रामलीला का क्या महत्व है अपने आप में।
तो और कौन कौन और क्या महत्व है, आज क्या कुछ इंदौर में होने वाला है? हमारे यहाँ ये ग्रामीण का आयोजन बिल्कुल वैदिक कर्म का है, वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से होता है। इसमें लोग किरार हमारी श्री रामचरित मानस का पाठ है, चौपाई आचार्य लोग सुनाते हैं, उसके बाद व्याख्या करते हैं, तो हमारे स्वरूप जो है मैदानी मंचन करते हैं। विशेषता मैं बताऊँ, ब्राह्मणों के छह स्वरूपों का चयन होता है, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता और हनुमान जी होते हैं। पहले दिन इन स्वरूपों का चयन करने के पश्चात ब्राह्मण और यज्ञ बलि संस्कार कराते हैं। 21 दिन तक मिले कपड़ों में इनको ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं ब्रह्मचारी के रूप में, लीला देखने आए हैं, इनके साथ हमारे सहयोगी लोग भी बैठे हैं। बिल्कुल हम आश्रम पद्धति के अनुसार लीला को और लीला के स्वरूपों को रखते हैं, जो विशेष है, विशेष है। तो अपने आप में ये रामलीला अपने आप में विशेष है, क्योंकि सनातन संस्कृति के हिसाब से प्राचीन इस फिरोजाबाद की रामलीला का अपने आप में महत्व है। और आप देख सकते हैं भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों भगवान जो है विराजमान है यहाँ पर। और लगातार जो भीड़ का आलम है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार चारों तरफ कैमरा अपना घुमाएं और दिखाएं कि किस तरह से यहाँ चारों तरफ जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आज रावण दहन को लेकर व्यापक तैयारियाँ रामलीला मैदान में की गई है, और लगातार इस मंचन को करने वाले कलाकार भी खासा उत्साहित है। तो आप भारत 24 पर लाइव एक्सक्लूसिव देखेंगे तस्वीरें कि किस तरह से ये रावण दहन का जो कार्यक्रम है, रावण दहन और भगवान श्री राम और रावण का यह युद्ध कैसा है। तो हम आपको युद्ध की स्मृतियों के साथ छोड़े जाते हैं और फिर आपको दिखाएंगे रावण का वध कि किस प्रकार से भगवान श्री राम ने रावण का वध। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने इस पूरी रामलीला के ऐतिहासिक नंबर वन रामलीला के मंचन में आपने देखा कि किस तरह से आज राम प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर दिया। और इस समय आतिशबाजी का जो दौर है वो आतिशबाजी इस समय इस फिरोजाबाद के प्राचीन रामलीला मैदान में इस समय जारी है। और ये दृश्य है, ये सीधे तौर पर इसे देख कर आप देख सकते हैं, इस समय जो कहा जा रहा है कि देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने जिस तरीके से रावण को युद्ध में परास्त करके और उसका अंत कर दिया, उसके आतंक का, तो कहीं ना कहीं अच्छाई बुराई पर अच्छाई की यह जीत हुई। और इस जीत के बाद पूरे फिरोजाबाद में गुस्सा का माहौल है। करीब 2-3-4 लाख की भीड़ लगभग इस पूरे ऐतिहासिक मंचन को देखने के लिए आई और उसका ऐतिहासिक गवाह बनी। और इस समय रामलीला मैदान में भरपूर तरीके से आतिशबाजी जारी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मंचन रहा होगा। और आज रावण का अंत हुआ, बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जीत हुई। और कहा जाता है कि सत्य प्रसारित हो सकता है लेकिन पराजित कदापि नहीं। तो आज ये माहौल मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं यह दृश्य, चारों तरफ रामलीला के मैदान के चारों तरफ का जो दृश्य है वो लगातार जिस तरीके से आतिशबाजी हो रही है और लगातार जो मंचन के दौरान भीड़ है और लगातार जो भीड़ उमड़ रही है वो देखते ही बन रही है। और इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से इस मंचन का विजयदशमी का यह खास पर्व, जिस दिन रावण का अंत प्रभु श्री राम ने किया, हमने आपको फिरोजाबाद की ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश की नंबर वन रामलीला का मंचन भारत 24 पर एक्सक्लूसिव दिखवाया। और भारत 24 की पूरी टीम की तरफ से पूरे देशवासियों को विजयदशमी के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस खास रिपोर्ट में रावण का अंत हुआ और कहीं बुराई पर अच्छाई, इस तरीके से देखिए, ये सनातन सत्य है कि अधर्म पर धर्म की विजय होती है, बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, अंधकार को प्रकाश दूर करता है। और यही एक प्रसंग है जो पूरे देश के कोनों कोनों में सैकड़ों हजारों वर्षों से रामलीला मंचन के रूप से जन सामान्य के बीच में संदेश के रूप में जाता है। हम सब जानते हैं प्रभु श्री राम ने एक साधारण
अवतार लेकर साधारण मनुष्य के रूप में बानरों वनवासियों और आदिवासियों के सहयोग से रावण के अहंकार की लंका को, रावण की पाप की लंका को और रावण की दुष्टता का अंत पर संहार किया। आज मैं राम विजयदशमी के पावन पर्व पर आपके चैनल के माध्यम से पूरे होशंगाबाद जनपद के सभी सम्मानित नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जय श्री राम। आज सत्य की जीत हुई है और रावण का वध हुआ है और उसे हम सब लोगों को यह सीख लेनी चाहिए कि हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। बुराई की हमेशा हार होती है और सत्य की जीत होती है। आज वही सत्य की जीत हुई है। जय श्री राम। आज रामलीला का आज विजयदशमी और रामलीला में आज रावण का अंत हुआ है, इस तरीके से देखते हैं। और आज भीड़ का जो हमारे जन समुदाय को हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए साहब, आज जो रावण का अंत हुआ है, ये रावण जो हमारे मन में है, इसका भी हमारा अंत होना चाहिए। आज से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारी जो मानसिकता नेगेटिव है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जब तक मानसिकता पॉजिटिव नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर राम नहीं प्रवेश करेंगे। और आज जय कार्यक्रम में जितनी भी जनता, अपार जनता जो आई है, वो ये यहाँ के भव्य कार्यक्रम को देखने आई है। इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा है। सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति की कमेटी वे जनता जनार्दन जनप्रतिनिधियों ने, नगर निगम ने, सभी लोगों ने भरपूर सहयोग किया है, इससे आज यहाँ व्यवस्थित व्यवस्था हो पाई है।